श्री में आप सबका स्वागत है। राव धान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जाना बेचाना नाम है, कांग्रेस के दमदार नेताओं में शुमार है। राव साहब सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा के लिए मतदान करके आए हैं, किसको किया आपने? कांग्रेस को किया नेचुरली, और कांग्रेस का उम्मीदवार 100% विजयी हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी के मतों को लेकर कहीं ना कहीं संशय की सुई क्यों लटकी शुरू में, जब वीडियोग्राफी को लेकर भी सवाल उठाए गए? कोई संशय नहीं है, 31 थे, 31 तो 100% है, बढ़ सकते हैं घट नहीं सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में परिणाम आ जाएगा, आप स्वयं इस बात को देखेंगे। राव साहब, आपकी गिनती भूपिंदर सिंह हुड्डा के बहुत करीबी लोगों में होती है, और आप मतलब गणित बहुत अच्छा लगाना जानते हैं, चाहे वो आपकी अपनी महेंद्रगढ़ सीट हो चाहे यहाँ हो, आपका गणित क्या कहता है, कितनी वोट आएंगी, किसको? देखिए, मैं जो समझता हूँ, हमारी वोटें जो है ना, 31-31 तो 100% है, एक भाजपा को जाएगी, कांग्रेस को जाएगी। अब बाकी कितनी बचती है, मैं समझता हूँ एक निर्दलीय उम्मीदवार आ नहीं रहा तो उधर से 28 रहेंगी, ये मेरी अपनी, मैं समझता हूँ, या हमारी 31 से बढ़ सकती है, 32 हो सकती है। राव साहब, आप तो कई बार चुनाव लड़े, कई बार जीते, आपने तो रामविलास शर्मा जैसे बीजेपी के कदवार नेताओं को कई बार हराया है, तो ये छत्तीसगढ़ वाला मामला क्या जरूरत पड़ी थी कांग्रेस को? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वहां हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि भाई यहाँ सारे विधायक हैं, बहुत दिनों से यहाँ हैं, उनको बैठेंगे तो एक मीटिंग करके उनको ये बता भी देंगे कि राज्यसभा का जो चुनाव है किस तरह से होता है, दैट्स ऑल। कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि भाजपा के लोगों ने कहा जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो स्वयं जाकर के इकट्ठे कर लिए उन्होंने, फिर क्यों किए उन्होंने इकट्ठे? अगर उनको यही बात थी कि ओपन सबको छोड़ना चाहते थे तो वो अपने भी उम्मीदवारों को नहीं बुलाते। साहब, ये जो राज्यसभा के चुनाव परिणाम जो भी रहेंगे, ये कितना का इम्पैक्ट डालेंगे अगली राजनीति पर? बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, आप देखना जो चुनाव का परिणाम आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। और मैं यहाँ आगे नहीं कह रहा, मैं राजस्थान की भी कह रहा हूँ, राजस्थान में भी कांग्रेसियों की चुनाव जीत रही। कुलदीप बिश्नोई आत्मा की आवाज पर जो बात कर रहे थे, कांग्रेस के साथ है कुलदीप की, राहुल गांधी से मिलने की बार बार क्यों जिद कर रहे थे? इसे शायद आज या कल में उनको मिलने का प्रोग्राम भी बन रहा है, बाकी तो समय तय वो करेंगे, बट मैं समझता हूँ कि उनका समय तय होने जा रहा है। राव साहब, आप से जब भी मुलाकात होती है, आपकी मतलब मैं लगातार जब भी कवर करता हूँ, तो आपके एक ही मूलभूत मुद्दा निकलता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस चौधर दे तो परिणाम सार्थक हो सकते हैं। अब तो हुड्डा साहब के हाथ चौधर है, अब क्या लगता है आपको कांग्रेस का भविष्य? परिणाम नजर नहीं आने लगे, और बाकी कल आ जाएंगे जब आज शाम का परिणाम आएगा। और आपने देखा भी होगा कि जो पहले कहते थे कि ये पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, न केवल रुक गए हैं बल्कि नौ पूर्व विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो ये इस बात का परिणाम नहीं लग रहा है कि आपको कांग्रेस की तरफ लोगों का मन वापस बढ़ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीट लेगी, उसका कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है? नहीं, वो हमारी एक तरह से नीति के अंदर कोई दिक्कत थी, इस वजह से रहा, अदरवाइज वो कोई 92 उनके उपलब्धि नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से ये परिणाम इस तरह का रहा। धन्यवाद। तो ये है राव धान सिंह, कांग्रेस के मजबूत नेताओं में एक नेता, भूपिंदर सिंह हुड्डा के राइट हैंड, जो कुछ इन्होंने कहा आपने सुना, और इनका दावा है कि हम यानी कांग्रेस जो है वो राज्यसभा की एक सीट जीत रही है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।